ऑरेंज और एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको अलॉट किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और ये दोनों प्रोड्यूस हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस गाइस। सो गाइस, हम लोग जो सीरीज बना रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस दैट केम इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उसी का आज नेक्स्ट वीडियो है। ये पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का सेकंड पार्ट है। पेरिटो ऑप्टिमैलिटी हम लोग लास्ट वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि एक्चुअली पेरिटो ऑप्टिमल होता क्या है, और इसको मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे करके समझाया था, एक कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू और एक प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू, ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पेरिटो ऑप्टिमैलिटी के। तो सी गाइस, शुरू करते हैं और आज ही ये पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे और आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरिटो ऑप्टिमल की बात करें या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी की। सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेरिटो ऑप्टिमैलिटी। फर्स्ट इज एक्सचेंज एफिशिएंसी, second is production efficiency, and third is product mix efficiency. Okay. तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज एफिशिएंसी की। सो एक्सचेंज एफिशिएंसी में क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गिवन आउटपुट का बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। यानी कि आप इकोनॉमी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इकोनॉमी में जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे करिए, इतने बेस्ट पॉसिबल वे पे करिए कि पॉसिबल ही ना हो किसी का, समझिएगा, पॉसिबल ही ना हो किसी भी इंडिविजुअल को बेटर स्टेट में लाना बिना दूसरे इंडिविजुअल को वर्स ऑफ स्टेट में लाए। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि अब आगे चांस ही नहीं है कि किसी और को आप और बेटर स्टेट में ले जाएं। आप ऑलरेडी हर इंडिविजुअल को इतनी ऑप्टिमली बेटर स्टेट पे ले आए हैं कि अब किसी भी इंडिविजुअल को आप और बेटर स्टेट पे नहीं ले जा सकते। और अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को और बेटर स्टेट में ले जाएंगे जिसमें वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ गलत कर रहे होंगे, उसको वर्स ऑफ स्टेट में लिए जा रहे होंगे। इस तरीके से आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो मान लीजिए, इसमें एग्जांपल देके फिर से समझाऊंगा। दो इंडिविजुअल्स हैं ए एंड बी, और इनमें एक्स और वाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो एक्स 5x प्लस 5y और बी के पास है 5x प्लस 10y। मान लीजिए बी को आप बेटर ऑफ करना चाहते हैं, तो अब आपने इसमें क्या किया है गाइस, आउटपुट तो लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में ही आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो अगर आपने इसको बेटर ऑफ करना चाहा, आपने इसको 6x प्लस 10y किया, सो या आप इसको बेटर ऑफ स्टेट पे तो ले आए, बट एट व्हाट कॉस्ट, ऑन द एक्सपेंस ऑफ ए को आपको वर्स ऑफ करना पड़ेगा। ये सिनेरियो हो जाएगा। समझे आप बात को, यस और नो? ओके, तो गाइस एक वो पॉइंट जहां पे अगर आप एक को बेटर कर रहे हैं दूसरे को वर्स करके, वो पेरिटो ऑप्टिमल कहलाता है, ठीक है ना। अगर कोई एक ऐसी स्टेट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप एक का बेटर कर रहे हैं लेकिन दूसरे का वर्स नहीं हो रहा है, तो अभी तक आप पेरिटो ऑप्टिमल पे नहीं आए। दैट पॉइंट इज नॉट पेरिटो ऑप्टिमल, क्योंकि पेरिटो ऑप्टिमल में हमेशा एक का बेटर करने के लिए दूसरे का वर्स करेंगे, दूसरे का वर्स ऑफ हो जाएगा। गॉट इट? ओके, एक इसमें थर्ड स्टेट भी होती है जिसको हम लोग पेरिटो इंप्रूवमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप एक को बेटर ऑफ करते हैं तो दूसरे का आप और इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी आप एक को बेटर स्टेट में लिए जा रहे हैं तो दूसरा भी बेटर स्टेट में जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड पेरिटो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आप बी का बेटर ऑफ कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग बेटर ऑफ B, तो साथ ही साथ A का भी बेटर ऑफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था एक्सचेंज एफिशिएंसी का, और ये जो एक्सचेंज एफिशिएंसी है, दिस एक्सचेंज एफिशिएंसी इट इज ऑब्जर्व्ड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये परफेक्ट कंपटीशन में ऑब्जर्व होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, MC इज इक्वल टू MB, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आपका प्राइस, ठीक है ना, एंड दिस इज योर मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल बेनिफिट मतलब यूटिलिटी। जब प्राइस और यूटिलिटी मैच कर जाते हैं, ओके, और एक्सचेंज एफिशिएंसी में हम लोग डील कर रहे होते हैं कंज्यूमर के साथ या कंजम्पशन के साथ, एंड आउटपुट, आउटपुट क्या मिला है उसके साथ, फैक्टर्स की बात यहां पर नहीं हो रही होती। ठीक है, समझ के? चलिए अगले एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है गाइस, देखिए कोई भी पॉइंट पेरिटो एफिशिएंट तब कहलाएगा जब वो पॉसिबल ही ना हो आपके लिए रिसोर्सेस का रीएलोकेशन करके किसी एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना बिना दूसरे गुड को कम किए हुए। दैट मीन्स जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था, ग्राफ भी बनाया था कि दो गुड्स एक्स एंड वाई हैं। नाउ कोई फर्म है जो टू गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब अगर फर्म गुड एक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना चाहता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, तो उसको गुड वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बिना वाई के प्रोडक्शन को रिड्यूस किए वो गुड एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका पेरिटो एफिशिएंट पॉइंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट है, बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी की। ओके, सो प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेफरेंसेज ऑफ द पीपल। यानी कि जब हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिसोर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब जब हम डिफरेंट गुड्स बना रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट कर रहे हैं कि भाई इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे तो ये एक्स गुड बनेगा, इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे तो गुड वाई बनेगा। यस और नो? मान लीजिए दो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लीजिए ऑरेंजेस, की फार्मिंग और एप्पल की फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी में, ये इनका बीपीएफ हो गया। अब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो तो देखिए एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ठीक है, ऑरेंज और एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको अलॉट किए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और ये दोनों प्रोड्यूस हुए। अब मान लीजिए ऑरेंजेस की डिमांड इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू एनी एक्स वाई और जी रीजन, प्रेफरेंस लोगों का किस तरफ आ जाता है, प्रेफरेंस आ जाता है लोगों का ऑरेंज की तरफ, राइट। तो क्या हुआ, डिमांड ऑफ ऑरेंज इंक्रीज कर गई। जब डिमांड ऑफ ऑरेंज इंक्रीज करेगी तो ऑरेंज का प्राइस क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज फर्म को, मतलब इकोनॉमी को प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, लेकिन देखिए आप इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो यूज कर रहे हो, लिमिटेड है वो। तो अगर आप ऑरेंज को बढ़ाओगे उसका प्रोडक्शन, ये देखिए एम डैश इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, तो आपको एप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल। बोलिए बात समझे, राइट। ये है आपका प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बेसिक पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंप्लीट होती है, इसके तीनों एस्पेक्ट्स हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, द वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती, क्वेरी है, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम या क्वेरी पे भी दूसरा वीडियो हम लोग बना देंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।